हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ बातें करेंगे डोमिनार के क्रैश गार्ड के बारे में, जो कि मैंने आफ्टर मार्केट बनवाया है। ये देखिए, जो डोमिनार में स्टॉक आता है बहुत चीप क्वालिटी का आता है, बहुत बेकार है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसका, ये जो यहाँ पे बोल्ट लगता था ये मैक्सिमम टूट ही जाता था हर बार, लेफ़्ट कभी लेफ़्ट का कभी राइट का, वो कई बार टूटा। हालांकि डोमिनार के अंदर एक अपडेट आया था कुछ टाइम पहले, उन्होंने ये नट बोल्ट्स चेंज कर दिए थे क्रैश गार्ड के। बाकी बात फिर भी वही कि नट बोल्ट चेंज करने से तो नहीं मजबूती आ जाएगी क्रैश गार्ड के अंदर, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए उसकी कुछ, क्योंकि जो स्टॉक आता है उसमें कोई ख़ास क्वालिटी नहीं थी, बहुत हल्का पाइप था, ज़रा सी बाइक झुकी और तुरंत बैंड हो जाता था वो। तो फिर मैंने ये अलग से बनवाया, ये GI पाइप का है, करीब 1 से 1.25 इंची मोटा ये पाइप है और काफ़ी हैवी है और काफ़ी मजबूत है। वाई एंगल में है ये, और ये यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे और ये यहाँ पे इधर और ये यहाँ पे नीचे, ये देखिए आप, ये वहाँ पे कनेक्ट है। तो तीन जगह कनेक्ट है, वो जो आता है दो जगह कनेक्ट होता है, अप और डाउन में। और काफ़ी ज़्यादा हल्का है वो, इसलिए ना मेरे को ये ना अलग से ही बनवाना पड़ा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रोड पे बाइक चले और ना गिरे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी प्रो बाइकर हो, गिरती भाई बाइक सब पे है। बाकी अभी मेरे पे ये एक बार गिरी है बाइक, बट इस तरीके से नहीं गिरी कि रोड पे चलते हुए, बस ऐसे स्टैंड लगाना भूल गया तो एकदम झुक गई और गिर गई। बाकी बताइए मेरे को कमेंट में कि ये कैसा है क्रैश गार्ड, मैं बताऊंगा इसकी डिटेल्स आपको अभी किस तरीके से बनेगा। ये देखिए, मैं आपको इस तरफ से बताता हूँ, देखो इस तरफ से बैटर आ रहा है। एक ये मैंने आफ्टर मार्केट लिया ये, और ये मैंने बनवाया खराद वाले से। ये नीचे का जो गुटका है ये मेरे को बनवाना पड़ा और ये मेरे को आफ्टर मार्केट मिल गया। ये V3 में लगता है, V3 का एक आता है आफ्टर मार्केट बना हुआ, तो उसका मैंने रबड़ का गुटका, यानी कि बहुत हार्ड प्लास्टिक है, ये मैंने खोल लिया और मैंने इसमें लगाया। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो रॉड लगी हुई है यहाँ से, ये देखिए ये जो रॉड है यहाँ से, इसकी यहाँ से और यहाँ तक लंबाई है करीब 6 इंची, ये 6 इंची का ये है और 5 इंची का ये नीचे वाला है, 6 इंची और 5 इंची, यानी कि ऊपर का 6 इंची का और नीचे का 5 इंची का, ये दोनों हमारे तैयार हो गए। और इसी में से ये जो कटिंग है, ये देखिए ये जो बना हुआ है हॉल करके, ताकि इसमें मतलब ये जो बना हुआ है एंगल, ये भी ना इसी पाइप का है। और ये हमने ना देखिए यहाँ से ना कट करके दो, मतलब 4 टुकड़े कट किए, 6 टुकड़े कट किए हमने, ये ट्राइंगल में थोड़ा टेपर में काट के इसी पाइप के ऊपर यहाँ रख के और ये वेल्डिंग कर दिया। ये देखिए यहाँ से थोड़ा बेटर दिखेगा, ये देखिए ये वेल्डिंग किया यहाँ से ये जॉइंट, और इसमें एक हॉल किया ऐसे, बिल्कुल नीचे है बिल्कुल सेम। अब ये देखिए आप, इसका तो है ऊपर, इसका ये पाइप नीचे जा रहा है, और इसका ये देखिए इसका भी ऊपर ही है, लेकिन ये थोड़ा ट्राइंगल में, यानी कि थोड़ा सा टेपर में लगा हुआ है। ये देखिए ये थोड़ा इस तरीके से है, इस तरीके से, और ये बिल्कुल ऐसे है सीधा। तो फिटिंग करने के लिए, यानी कि दोनों को मैच करने के लिए बिल्कुल ये बनाना पड़ा। ये देखिए बिल्कुल सेम दिखते हैं। और इसकी जो लंबाई है पाइप की, यहाँ से और यहाँ तक ये लगभग बैठता है हमारा 16 इंची, ये यहाँ से और यहाँ 16 इंची है, यानी कि 16, और ये जो है ये यहाँ से और यहाँ ये 8 इंची है, ये यहाँ से टेपर में ऐसे कटा हुआ है पाइप पूरा, तो ये करीब 8 या 9 इंची, यानी 8 इंची ही है ये, 8 इंची ये और 16 इंची ये, और 6-6 इंची के ये हो गए, यानी कि 12 इंची, 12 और ये 16, 26 और 8, 26 और 8 हो गया हमारा 34 इंची, यानी कि हमको जो पाइप चाहिए, पाइप की लंबाई चाहिए करीब हमें 6 फिट के आसपास का पाइप चाहिए, यानी कि 72 इंची के आसपास का हमें पाइप चाहिए, उसी में हमारा सारा काम हो जाएगा।
बस आपको ये जो है, ये जो बैंड है, यानी कि ये जो थोड़ा पाइप घुमा हुआ है, ये हमको लैथ पे ही जाके कराना पड़ेगा। लैथ पे गया, जो वेल्डर होते हैं उनके पास एक मशीन होती है पाइप को राउंड करने के लिए, ताकि राउंड ऐसे हो जाए, राउंड करने के लिए होती है। तो राउंड मैंने कराया, पूरा पाइप ही करा लिया था मैंने, 6 फीट का पूरा पाइप राउंड करा लिया था थोड़ा सा। उसके बाद मैंने उसमें से टुकड़े कटिंग किए, टुकड़े कटिंग करके एक एक करके वेल्डिंग कराया, तो काफ़ी सुंदर। और ये काफ़ी टिका और बहुत मजबूत है भाई, मजबूत है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसको पाउडर कोटिंग कराया, बनवाने के बाद फिनिशिंग कराई, फिनिशिंग के बाद पाउडर कोटिंग, और पाउडर कोटिंग के बाद एसएस के इसमें मैंने नट और बोल्ट्स लगा दिए, और उसके बाद मैंने ब्लैक पेंट कर दिया इसके ऊपर। ये लगता नहीं है जैसे कि अलग से बना हुआ है, लगता है कि आफ्टर मार्केट ही मैंने लगवाया है। ये देखिए सामने से इसकी लुक आती है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और मैं आपको एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ, पीछे से कुछ लुक आती है इसके इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से, और ऊपर से यहाँ से हम ऐसे, ये यहाँ से ऐसे लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजबूत भी है भाई, बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक बार मजबूती का मेरे को ऐसे पता लगा कि मैंने सर्विस सेंटर पे बाइक सर्विस कराने के लिए दी, तो बाइक सर्विस कराने के बाद उन्होंने इसका ट्रायल मारा, यानी कि ट्राई पे बाइक ले गए और ये कुछ इस तरीके से चलाई कि एक बाइक वाले को उड़ा दिया, और ये यहाँ से ये क्रैश हो गया था, बाइक क्रैश हो गई और ये यहाँ से घिस गया पूरा। ये देखिए ये यहाँ से घिसा, लेकिन ये तो घिसा लेकिन बिल्कुल भी इस पर माइनर सा, इस पर माइनर सा, इस पर हल्का सा स्क्रैच आया बस। और भाई ये देखो, ये तो इसने सारा कवर कर लिया, यानी कि इम्पैक्ट सारा इस पर आ गया। इम्पैक्ट के बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, यानी कि जब एक्सीडेंट हुई बाइक, हालांकि सारा इम्पैक्ट क्रैश गार्ड के ऊपर आया, उसके बाद ये टूटा, इसका गियर लीवर टूटा, क्लच लीवर टूटा, और इसका हैंडल बैंड हो गया पूरा ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे बैंड हो गया, ये टूट गया था। और ये इसका, ये अलग से लगवाया मैंने ये माउंट, ये भी टूट गया था, बाकी सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हैंडल चेंज हो गया, लीवर चेंज हो गया, और वो गियर लीवर भी चेंज हो गया, गियर लीवर, क्लच लीवर, और इसमें ये कुछ नट्स बैंड हो गया था, ये नीचे वाला नट बैंड हो गया, ये भी मैंने चेंज करा लिया। ये चेंज तो नट तो मैंने ही कराया, बाकी गियर लीवर, क्लच लीवर और ये हैंडल, ये मेरे को सर्विस सेंटर वालों ने ही डाल के दिया, क्योंकि भाई उन्होंने गलती की थी तो डाल के देना ही था उन्हें। हालांकि मैं सर्विस सेंटर का नाम नहीं लूँगा, सर्विस सेंटर कौन सा है, हालांकि सर्विस सेंटर से हुआ है, बट नाम लेना से ठीक भी नहीं है। तो गाइस क्रैश गार्ड कैसा लगा आपको इस बाइक के अंदर, मेरे को कमेंट करके बताइए। बाकी जो मैंने ये बनवाया है या बनाया है, जैसे भी है, बाकी है भाई बहुत मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत है। इम्पैक्ट का भी मेरे को पता लग गया, देखने में बहुत सुंदर लगता है, और ब्लैक कोटिंग मैंने इस पे कराई है तो लुक ज़बरदस्त हो जाती है भाई, मैच है बिल्कुल, बिल्कुल मैच है। और इसको सबसे ज़्यादा आराम पता है क्या है इसके अंदर, इस पर हम ऐसे पैर रख के भी चला लेते हैं बाइक को भाई, अगर पैरों में दर्द हुआ तो ऊपर रख लो, उसमें जो आता है स्टॉक में वाई राउंड होता है थोड़ा, उस पर टिकते ही नहीं है पैर, इस पर चाहे तो हम यहाँ रख लेते हैं, चाहे यहाँ रख लेते हैं।